तुर्की, यमन, ओमान, सऊदीया में बहुत ज़्यादा मशहूर है ना। इसको जंक फूड नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल लाइट सी आइटम है। देखिए ना, बारीक सी लेयर है, जैसे समोसा रोल की होती है, ठीक है। अरब रिटर्न आए हैं उन्होंने, इवन के 25 तक पैक हुए हैं हाईएस्ट इसका ना, एक बंदे ने 25 पैक करवाए हैं, क्योंकि मैं दे भी चीपेस्ट रेट पर लाऊँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईजी न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। जैसा कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, यहां पे यूनिक किस्म की वीडियोस आपके साथ शेयर होती हैं। आज इसी तरह यूनिक से फूड के पॉइंट पे हम खड़े हैं। मज़ेदार किस्म का एक यहां पे एक रेसिपी तैयार करते हैं, उसको देखते हैं और आपको बताते हैं ये क्या चीज़ है, बोला क्या जाता है। आज तक आपने नहीं देखी होगी और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या बना रहे हैं ये? मैंने आज तक यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं देखा, इसे क्या बोलते हैं? और रावलपिंडी में फर्स्ट टाइम मैं ही लेकर चल रहा हूँ उसको। इसको मुतबक कहा जाता है, ये अरब कंट्रीज में पाई जाती है, तुर्की, यमन, ओमान, सऊदीया में बहुत ज़्यादा मशहूर है ना। और इसको यमनी पराठा भी कहा जाता है, इसको मलेशियन पराठा भी कहा जाता है, ये अरब कंट्रीज़ में ना पाया जाता है, ठीक है। एक नेचुरल चीज़ है और हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है इसके इंग्रेडिएंट। अच्छा, ये बनाते कैसे हैं? ये आपने मैदे से बना हुआ, वो उसमें जो आपने सारे मसाले इसमें ऐड किए हुए हैं, चिकन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लीव्स हैं, बंद गोभी है, चिकन का कीमा है और इसमें एक पूरा अंडा जाता है। अंडा फिर इसके अंदर फ्राई नहीं हो रहा, अंडा इसके अंदर ही पक रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आप अंडा भी डाल रहे हैं? वाह यार, जबरदस्त जी। पूरे पूरे न्यूट्रिशन के साथ है, अपनी हेल्थ बेनिफिट्स के साथ। अंडा देखिए, चूंकि फ्राई नहीं हो रहा इसलिए बर्गर से लाइट है। इसको जंक फूड नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल लाइट सी आइटम है। देखिए ना, बारीक सी लेयर है, जैसे समोसा रोल की होती है, ठीक है। और ये बना हुआ है काली मिर्चों के साथ, अंडा, काली मिर्चें, सब्ज़ प्याज, ये तो ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसी टाइप की ये चीज़ें। और उसको पराठे की शक्ल में ना, पराठा नहीं कहा जाता, पराठा तो बहुत हैवी चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट है ना, पराठे के बारे में कॉन्सेप्ट है, बड़ी हैवी चीज़ है। लेकिन ये बहुत लाइटर देन बर्गर, देखे ना। अब ये तैयार है, लुक एट दिस, क्लोज टू मी, ये देखें, बिल्कुल ड्राई है ऑलमोस्ट। और ये अंदर से ड्राई है, आपने इसकी कटिंग अभी देखी थी ना, ये अंदर से भी ड्राई होता है क्योंकि अंडा फ्राई नहीं हो रहा है। ये चीज़ इसको बर्गर से भी लाइट बना देती है, ठीक है, इजी टू डाइजेस्ट। लुक एट दिस, आप पैक करेंगे? ये हम पैक कर रहे हैं इसको, हम लगाई जाते हैं क्योंकि ये पकने में स्लो कुक होता है ना, तो टाइम लेता है, 8 से 10 मिनट लेता है पकने में ना। तो फिर हम बगैर किसी कस्टमर का इंतज़ार किए लगाते जाते हैं ना। तो फिर क्योंकि जब कस्टमर आते हैं ना, किसी को 8 चाहिए होते हैं, किसी को 10 चाहिए होते हैं, तो फिर उनका टाइम बच जाता है। अच्छा, इसमें इन्होंने जो एग डाला था वो पैक हो चुका है, अब वो इसके अंदर ही, जब इसमें पकेगा तो अंदर ही वो फ्राई हो जाएगा। यू कैन से इट स्टीम्ड एग इनसाइड, ठीक है। देखें अपने ही दम पे अंदर ही पक रहा है ये स्टीम पर। ये आइडिया कैसे आया आपको, कि आपने कैसे सोचा कि यहाँ रावलपिंडी में या एक फूड पॉइंट में आप ये लगा सकते हैं? और ये आइडिया कहाँ से, आप पहले कहीं से इस रेसिपी आपको पता थी? था पहले को शवरमा टाइप या रोल पराठा टाइप लगाऊँ ना, तो भाई होते मेरे उधर सऊदीया में, उन्होंने फिर मुझे प्रोवाइड की रेसिपी, उन्होंने कहा यार लगाना है तो फिर ये चीज़ लगाओ, एक डिफरेंट चीज़ है। तो मेरे भी जहन में आई, मैंने कहा यार वाकई घर में ये बनता रहता था अक्सर, ठीक है। तो रेसिपी हमारे पास थी इसकी, रियल रेसिपी है। कितने देखो, मुझे यहाँ तकरीबन 4 साल हो चुके हैं मुझे, तो इन 4 सालों में कितने अरब रिटर्न आए हैं उन्होंने, इवन के 25 तक पैक हुए हैं हाईएस्ट इसका ना, एक बंदे ने 25 पैक करवाए हैं, क्योंकि मैं दे भी चीपेस्ट रेट पर लाऊँ ना। रेट क्या, अगर रेट की बात करें तो रेट क्या है? 220 चल रहा है फिलहाल। आलू वाला भी शुरू किया हुआ है, आलू वाला ताकि भी अफोर्डेबल रेट पे, जिस तरह जिसको रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से बना के देते हैं। चिकन या वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते, पोटैटो लवर्स उनके लिए, उसमें फिर हम चीज़ वाला। उसकी प्राइस क्या है? उसमें चीज़ डाल के हम दे रहे हैं 200 का, और अंडा डाल के 150 का दे रहे हैं, ठीक है। और चीज़ और अंडा दोनों डाल के 250 का दे रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त और यूनिक सी चीज़ है। और जब अगर आप रावलपिंडी में चक्कर लगाएं, कंप्लीट एड्रेस वगैरह बताना चाहें ताकि बसानी अगर रावलपिंडी में कोई यहाँ पे टेस्ट करना चाहे तो ज़रूर यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। जी ये 6 रोड पर उमैर सेंटर है, दुबई प्लाजा के साथ, नेक्स्ट प्लाजा फ्राम दुबई सेंटर। दुबई सेंटर लोग जानते हैं, कंप्यूटर के लैपटॉप का प्लाजा है, ठीक है। इससे आगे मोबाइल प्लाजा है, इसकी सीढ़ियों में बैठा हूँ, आप देख सकते हैं इसकी एंट्रेंस। बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह मिलते हैं, जहाँ से इंटरेस्ट है उसी के साथ इन्होंने स्टॉल लगाया है, फूड स्टॉल, और बड़ा ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ कि अगर रावलपिंडी में आप रहते हैं और मरी रोड से चक्कर लगता है तो ज़रूर ट्राई करें। ऑयल हम बिल्कुल फ्रेश यूज़ करते हैं, इसमें एक ड्राप भी जो है ना काल के तेल का शामिल नहीं है, ठीक है। शैलो फ्राई कर रहे हैं, देखें अगर मैं यहाँ 4-5 लीटर ऑयल डाल दूँ तो यकीनन वो 3 लीटर बच जाएगा,
जितना इस्तेमाल करते हैं जितना जरूरत है यहाँ पे, जितना इस्तेमाल में आ जाए ठीक है ना, या फिर कल दोबारा डाल देंगे, करने मुझे कोई इसमें मजायका नहीं। फिर आज जो मैंने देखे ना, बिल्कुल वो काले होते हैं तेल पक पक के ना, और बिल्कुल मोबलायर की तरह गाढ़े हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश ऑयल है। तो ये आप नज़दीक से भी आप ये दिखाएं कि इसमें चिकन और जो इसके ऊपर एग है, जब इसको फोल्ड करते हैं और एक बड़े मज़ेदार किस्म की डिश तैयार हो जाती है। तो ये तो मुझे लगता है कि टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, अगर आप मरी रोड से गुजरते हुए जाते हैं तो बिल्कुल साथ ही करके मरी रोड जो मेट्रो स्टेशन यहाँ पे, कौन सा नज़दीक लगता है? ये 6 रोड वाला लगता है, 6 रोड वाला अलग भी लगता है। ये फ्लाई ओवर है ना, 6 रोड का फ्लाई ओवर, इससे आप अगर नासर में की तरफ से आ रहे हैं तो राइट हो जाए, इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो लेफ्ट हो के ना आप दुबई सेंटर, उमैर सेंटर था, नेक्स्ट प्लाजा। ये चेक करें कितना ज़बरदस्त, और मैं समझ, हाँ 8-10 मिनट लगाने का मकसद ये कि अंडा ठीक से पक जाए। तकरीबन 8-10 मिनट लगते हैं इसके अंदर, इसमें फ्राई होता रहता है ना, जब से आप आए वो लगे हुए हैं, पक ही रहे हैं अभी तक। ये तैयार हो गया जी जनाब, यूनिक सी चीज़ लगी है मुझे, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह की जो कोई रेसिपी, और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, सामने इन्होंने हर चीज़ यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है। एक बनाते हैं पराठा टाइप बड़ा बारीक सा, उसके ऊपर सारी चीज़ें लगाते हैं, अंडा ऐड करते हैं, उसके बाद फ्राई करने के बाद 8-10 मिनट लगते हैं, पहले से इन्होंने 5-7 रखे होते हैं ताकि कोई कस्टमर आ जाए तो, क्योंकि एक टाइम लगता है इसको। लेमन इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं, उसके चंद कतरे डाल देते हैं, देखें कैचअप ने भी खट्टापन पैदा कर लेकिन कैचअप होता है मीठा सा, ठीक है ना। ये काली मिर्च से बनी हुई, इसका टच नहीं है ये, और चटनी भी नहीं है इसके साथ, क्योंकि पिज़्ज़ा पराठा टाइप आप कैचअप यूज़ कर सकते हैं, कैचअप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि लोग ये नेचुरल की तरफ आए ना, मैं लेमन ही सर्व करता हूँ इनको, ठीक है। अगर कोई देसी फूड इसे कह सकते हैं, देसी फूड बिल्कुल बिल्कुल, इसका सास भी नेचुरल है, ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक अरबिक डिश, लेकिन ये है कि देसी स्टाइल से बनी हुई है, और हर चीज़ आपने वो नेचुरल चीज़ रखी हुई है, कोई एक्स्ट्रा रियल है मेरे पास, कितने अरब रिटर्न आए उन्होंने ओके किया। मैं तकरीबन असर के बाद यहाँ पर आता हूँ और रात 12 बजे तक इधर होता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि आप 10-11 तक आ जाएँ, मोस्टली इस टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब पैकिंग वाले आते हैं ना पार्सल वाले ज़्यादा, किसी के 8 होते हैं किसी के 10 होते हैं, तो फिर ये कभी कभी 12 से पहले ख़त्म हो जाता है। अभी मैं टेस्ट करके भी दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट किस तरह का है, यूनिक्स है क्या वाकई में, जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं, और देसी और यूनिक टाइप है। मैं देख लेता हूँ इसे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक अलग टेस्ट है और यूनिक है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई पराठा है या कोई हम शौरमा टाइप है, बड़ा सिंपल सा इसमें, लेकिन ये है कि यूनिक है, हट गया, चिकन का जायका आ रहा है, और जैसे क्या है कि इसमें डाला हुआ, और जो इसके ऊपर इन्होंने लेमन डाला है ना, उससे ये टेस्ट ज़्यादा और मज़े का हो जाता है। ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि अगर रावलपिंडी में आप मरी रोड से गुजरते हुए यहाँ पे दुबई प्लाज़ा है ना, ये दुबई प्लाज़ा कंप्यूटर वाली मार्केट में आते हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। इंटरेस्ट है यहाँ से, मेन इंटरेस्ट जो है ना सीढ़ियों वाली, ये मामू बर्गर के साथ ना, ये एंट्रेंस है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा अरबिक टेस्ट करना चाहते हैं तो वो टेस्ट भी इसमें शामिल है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके खुद खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।